गुड इवनिंग, वेलकम 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 टू अ पावर ऑफ नाउ. आज शुरू करते हैं किताब वहीं से जहां छोड़ी थी हमने फ्राइडे के दिन विद रजनी जी. सो लेट्स स्टार्ट अ वेरी ब्यूटीफुल इवनिंग. शक्तिमान वर्तमान, द पावर ऑफ नाउ. सो हमने उस दिन ख़त्म किया था कि कैसे हमारे संबंध आध्यात्मिक साधना के रूप में हम उनको ले सकते हैं, राइट? और आज हम शुरू करने वाले हैं उसी कंटिन्यूएशन में. रजनी जी, मैंने हाईलाइट कर दिया है, प्लीज रीड. गुड इवनिंग प्राची जी. तो जब कभी भी आपका रिश्ता सुचारू रूप से ना चल रहा हो, जब भी वह आप में व आपके जोड़ीदार के अंदर मौजूद पागलपन को बाहर लाने लगे, तो खुश हो जाइए. जो कुछ अचेतन में दफन था, वह प्रकाश में लाया जा रहा होता है. यह तो मुक्ति का एक अवसर है. हर पल उस पल की जानकारी को जिंदा रखिए, खास तौर से अपने अंतर मन की दशा को. अगर उसमें क्रोध है तो यह ज्ञान रखिए कि उसमें क्रोध है. अगर उसमें ईर्ष्या है, प्रतिवाद वाद विवाद करने की सनक है, खुद को सही सिद्ध करने की ललक है, प्रेम व तवज्जो की चाहत वाला शिशुवत स्वभाव है, या किसी भी तरह का कोई दुख दर्द है, जो कुछ भी है, उस पल की वास्तविकता का ज्ञान रखिए और उस ज्ञान को संभाले रखिए. जब वे रिश्ता आपकी साधना बन जाता है, आपकी आध्यात्मिक साधना, जब आप अपने जोड़ीदार में कोई अचैतन्य व्यवहार देखें, तो उस व्यवहार को अपने ज्ञान रूपी प्रेमपूर्ण आलिंगन में रखें, ताकि आप प्रतिक्रिया ना करें. अचैतन्यता और ज्ञान लंबे समय तक साथ साथ नहीं रह सकते, भले ही वह ज्ञान दूसरे व्यक्ति में हो, न कि उसमें जो कि अचैतन्य रूप से व्यवहार कर रहा है. उग्रता तथा आक्रामकता के पीछे रहने वाली ऊर्जा के लिए प्रेम की विद्यमानता बिल्कुल असहनीय होती है. अपने जोड़ीदार की अचैतन्यता के प्रति भड़क कर जब आप प्रतिक्रिया करते हैं, तब आप भी तो अचैतन्य ही हो गए होते हैं. लेकिन अगर ऐसे में अपनी प्रतिक्रिया को जानना आपको याद रहता है, तब आपका कोई बिगाड़ नहीं होता. सो बहुत रिलेशनशिप्स होते हैं हमारी लाइफ में, किसी भी टाइप के हो सकते हैं, और कई बार वो चल नहीं रहे होते, दे नॉट वर्किंग. तो क्या करना चाहिए, हमें खत्म कर देना चाहिए? और बहुत तो खत्म कर भी सकते, पेरेंट्स का, बच्चों का, ठीक है, पार्टनर का, मैं भी खत्म कर सकते हैं. लेकिन जब कभी पागलपन हमारे अंदर आए, कभी मैडनेस आए, तो खुश हो जाना. हमें ये हर टोल का बोलना है कि उस समय जब सेलिब्रेट करो कि रिलेशनशिप है तो सही, कि जो कुछ अंदर दबा हुआ था वो बाहर तो आया. एटलीस्ट मुझे मालूम कि प्रॉब्लम क्या है, नहीं तो शायद ऊपर रिपोर्टिंग करी हुई थी. यही फ्रीडम की तरफ जाने का, हर पल, हर क्षण, हर मोमेंट सत्य को समझने का. क्या सत्य है? कि हम जिंदा तो हैं, और हमारे अंदर की दशा क्या चल रही है, हालत क्या चल रही है. तो अगर वो बोलते हैं कि अगर हमें बहुत ज्यादा टेम्पर हम आ रहा है, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है, बहुत एंगर आ रहा है, तो हम समझे कि गुस्सा है, क्रोध है, एंगर है. उसको विश्लेषण ना करें, एनालिसिस ना करें कि ये क्यों आया, कैसे आया. अगर हमें बोलते हैं जेलसी है, या हम डिफेंसिव हो रहे हैं, हम पोजेसिव हो रहे हैं, या हमें एक अंदर से इच्छा हो रही है कि मैं अब आर्ग्यूमेंट करूं, मैं अपना स्टैंड सही करूं, ये मुझे अपने आप को प्रूव करना कि मैं ही राइट हूं. हमारे अंदर जो छोटा सा बच्चा होता है ना, शिशुवत स्वभाव होता है, इनर चाइल्ड जो हमारा होता है, उसको क्या चाहिए? उसको हमेशा अटेंशन चाहिए, हमेशा लव चाहिए. या हमारा जो इमोशनल पेन है किसी भी टाइप का, कोई भी हमें यू नो प्रॉब्लम अगर आ रही है, तो हमें समझना क्या है कि इस पल रियलिटी क्या है, उसको एक बार देखना है. ये नोइंग को ध्यान रखना है कि ये हम अवेयर हैं इस ज्ञान को, कि हाँ कोई चीज है जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है. जब हमें इतना एहसास हो गया, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये रिलेशनशिप हमारी मेडिटेशन बन गई है, हमारी साधना बन गई है, और हमारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन गई है. स्पिरिचुअलिटी में हमने कई बार बात करी ना, हम आगे बढ़ते हैं,
फॉर एग्जाम्पल मैजिक किताब की कई बार बात होती है, जब हम मैजिक किताब कर रहे होते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं, वह उसको प्रैक्टिस करते आते हैं, और मैजिक किताब रुक जाती है अगर सेशन पे और हम अपने आप प्रैक्टिस करना बंद करें तो नीचे उतर जाते हैं, फिर ऊपर बढ़ जाते हैं। रिलेशनशिप्स में हमेशा ग्राफ ऐसा तो नहीं होता ना, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, बिकॉज लाइफ की तरह, लाइफ लाइन की तरह, आपकी हार्ट बीट की तरह। सो फिर हमें समझ आना चाहिए कि यार ये तो आध्यात्मिक साधना बन गई, ये तो मेरा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन गई, मेरी मेडिटेशन टाइम बन गया। और जब कभी हमारे रिलेशनशिप में ऐसा उतार चढ़ाव आता है तो सेलिब्रेट करने के लिए बोलते हैं एकहार्ट टोल। अगर हम सब अपनी कॉन्शियसनेस से उसको देखें, परखें, अपने पार्टनर को परखें, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अभी तक हम डिफेंसिव मैकेनिज्म में चलते, हम कॉन्शियस लेवल पे देख ही नहीं रहे थे अपने पार्टनर्स को, हम विक्टिम प्ले कर रहे थे या उनको ब्लेम गेम कर रहे थे। यही हमारी गलती हो जाती है। स्पिरिचुअलिटी में क्या हम भगवान को ब्लेम करते हैं? रिलीजन में हम भगवान को ब्लेम करते हैं, हाय मैंने क्या किया था आपका, क्या आपने मेरे साथ ये कर दिया, लोग इतना अच्छा करते मेरे साथ बुरा कर दिया। स्पिरिचुअलिटी में तो लव एंड लाइट होता है, हम शुक्राना ही मनाते हैं, हम देखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, और कभी डाउन चले भी गए तो डजंट मैटर, जब हम उठ जाते हैं अपनी जर्नी पे, ये स्पिरिचुअलिटी की हमारी हम कदम रखते हैं। सो हमें ऑब्जर्व करना है अपने बिहेवियर को, जिसके बारे में शायद हमें अभी पता ही नहीं, और अपने पार्टनर के बिहेवियर को भी, और फिर हमको उसको एक्सेप्ट करना है, जैसा है ये नहीं बदल सकता। हमारे कॉन्फ्लिक्ट किस बात पे होता है अपने पार्टनर के साथ, कि वो हमारी तरह हो जाए, जैसे हम बोल रहे हैं वैसा करे, पार्टनर, बच्चा, पेरेंट, कलीग, कोई भी, लेकिन लाइफ हमेशा वैसी नहीं होती है जैसे हम चाहते हैं वैसे बन जाए, नहीं ना, लाइफ का अपना ढर्रा, अपना पैटर्न होता है, अपना उसका रवैया भी होता है, तो हमें अपनी एनर्जी उसमें वेस्ट नहीं करनी जो कुछ है नहीं, जो है उसको एक्सेप्ट करना है। और ये जो एनर्जी पीछे बच जाती है जो हमने वेस्ट नहीं करी होती है, या हमने वेस्ट कर दी होती, दोनों तरीके से है, उसके रिएक्शन क्या आएगा, या तो हम भड़क जाएंगे, या हम अपने पार्टनर को अटैक करेंगे, कई बार हम बच्चों को भी थप्पड़ वप्पड़ मार देते हैं, ये तुम टॉलरेट नहीं कर देते, भड़क, या यू नो मुझे बात नहीं करनी, दरवाजा भैम, दरवाजा बंद कर दिया, या मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, बैग पैक कर लिया। ये क्या होता है, एक्सेसिव एनर्जी होती है हमारी। इस एक्सेसिव एनर्जी कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये मेरे पार्टनर ने या इस इंसान ने रिएक्शन दिया है, ऐसा किया, इसके पीछे भी कोई कारण है, मैं वो कारण अभी नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन इसमें कोई सत्य है, मुझे अपने पार्टनर को इस तरह एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते कि मेरा पार्टनर, मेरा बच्चा, मेरा पेरेंट बेटर हो जाए, हमेशा कर सकते हैं। और आज तो न्यू मून का दिन है, आज तो बेस्ट है मैनिफेस्टेशन करने का, अपनी नई ड्रीम्स लिखने का, आपको पता ही न्यू मून में हम क्या आप करते हैं, सो प्लीज गो अहेड एंड डू इट। लिखने के बाद अपने बेड में, तकिए के नीचे, अपने मैट्रेस के नीचे उसको दबा दीजिए, रोज सुबह शाम मैनिफेस्ट करिए, देखिए फिर फुल मून पर सरेंडर करते हुए कितना शांति, कितना हल्कापन महसूस होएगा, और फिर वो तब्दीली भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका लव, आपकी लाइट, आपकी होप, आपके अच्छे फीलिंग्स गए हैं उसमें। लेकिन अगर हम अपने पार्टनर की अनकॉन्शियसनेस पे, अचैतन्यता पे भड़केंगे, रिएक्ट करेंगे, तो हम खुद भी वैसे हो जाएंगे ना। सो हमें क्या करना है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हमें कैसा एक्शन करना है? धैर्य का, पीस का, लाइट का, प्रेम का, ना कि उजत बनना है और लड़ना, झगड़ना और कुछ रिएक्ट करना है। सो इस बात को हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे, क्योंकि अब जब कभी लड़ाई हुई, कभी टकराव हुआ, तो हम समझ जाए, अरे ये तो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, मुझे कुछ सिखाने आया है। स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, अगर आज एग्जाम्पल देती हूँ, कॉमन एग्जाम्पल है, सास बहू का टकराव 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 टकराव, अगली लाइफ में फिर या तो सास बन के आएंगी, या आप कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में आएंगी, फिर चैलेंज करने आएंगी आपको। तो हमारी जो जर्नी है, हमें उस जर्नी को अभी यहीं पर सारे जो नॉट्स हैं खोल देने हैं, नहीं तो ये नॉट्स लगे लगे ही कर्मा के रूप में फिर हमें आएंगे। तो हमें स्पिरिचुअल लर्निंग लेनी चाहिए। आइए आगे बढ़ें। मानवता विकास करने के भारी दबाव में है, क्योंकि एक जाति के रूप में
अपना अस्तित्व बचाए रखने की यही एकमात्र संभावना है। यह बात आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगी और खास तौर से निकट संबंधों को। अब से पहले संबंध कभी इतने समस्याग्रस्त और द्वंद भरे नहीं रहे जितने कि वे आज हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो देखा होगा कि वे यहाँ आपको सुख और खुशी देने के लिए या पूर्णता देने के लिए नहीं है। अगर किसी संबंध के माध्यम से आप मुक्ति के लक्ष्य को पाने की कोशिश में लगे रहेंगे तो बार बार आपका मोह भंग होता रहेगा। लेकिन अगर आप यह बात स्वीकार कर लेते हैं कि संबंध आपको खुशी व सुख रखने के लिए नहीं बल्कि आपको अचैतन्य बनाने के लिए है, तो संबंध आपको मुक्ति प्रस्तुत करेगा और तब आप स्वयं को उस उच्चतर चेतना के स्तर पर ला रहे होंगे जो इस संसार में आना चाहती है। लेकिन जो लोग पुराने ही ढर्रे को थामे रहते हैं उनके लिए तो दुख दर्द भ्रम भांति और पागलपन बढ़ता ही रहता है। सो अगेन, हम एक मानव के जीवन में आए हैं और हम इस जीवन में आए हैं बढ़ने के लिए, आगे प्रोग्रेस करने के लिए। और हमारी मानव जाति पे, ह्यूमैनिटी पे बहुत बड़ा प्रेशर है, बहुत भारी दबाव है। क्यों? कि हम इवॉल्व हो जाएं, हम आगे बढ़ जाएं, क्योंकि हमारा यही एकमात्र चांस है, एकमात्र संभावना है कि हम अपना वजूद बना के रखें, कि हम इस रेस को खत्म ना होने दें। तो 2+2 हम आगे प्रोडक्शन करते हैं, अपना ईगो के हिसाब से वर्क करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। यही जो एक टेंडेंसी है ये हमारे हर पहलू के ऊपर अपना इम्पैक्ट करती है, स्पेशली जो हमारे क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं उनके ऊपर। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी रिलेशनशिप हो उसमें कोई तकलीफ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया हो। सब में आया था, सब में आया है, सब में आने की संभावना है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या करना है, क्या समझना है कि हमें सारे रिलेशनशिप्स को हैप्पी बनाना है, जॉयफुल जॉयस बनाना है, पीसफुल बनाना है। और हमें उसके लिए 100% कमिटमेंट होना, कमिटमेंट देनी पड़ेगी, उनको होल एंड कम्प्लीट बनाना पड़ेगा। कमिटमेंट देने का मतलब ये थोड़ा 24/7 लगे रहो उसके पीछे, नहीं। लेकिन जब लगे रहो तब अपना पूर्ण देना है उसमें, कि अगर मैं 1 घंटा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो 1 घंटा मैंने 100% दिया। ये नहीं कि मैं आईपैड पे लगा हुआ हूँ, मैकबुक पे लगा हुआ हूँ, फोन्स पे लगा हुआ हूँ या कुछ ईमेल्स, नथिंग। तब आपको पूर्ण देना है, तो उससे क्या होगा, होल एंड कम्प्लीट जल्दी बनेंगे। बहुत सारे गोल्स होते हैं लाइफ में हम सबके, उन गोल्स में हमें शामिल करना है, उस लक्ष्य में हमें शामिल करना है कि हमें मुक्ति चाहिए, हमें सेल्वेशन चाहिए। मुक्ति सेल्वेशन कैसे मिलती है हमें? जब हम डिटैच होते हैं। डिटैच कब होते हैं हम? ये नहीं कि हम उसको लव करना बंद कर दें, लव करें लेकिन उनको कंट्रोल नहीं करें, होल्ड नहीं करें। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत रिलेशनशिप्स के माध्यम से हम फ्रीडम पा सकते हैं, लेकिन जब हम एफर्ट करते हैं ना तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। एफर्टलेस होना चाहिए। एफर्ट जब हम करते हैं हम कुछ मखौटा पहनते हैं, यू नो, कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ऑटोमेटिकली होना चाहिए। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में दो पार्ट है, अगर वो आपका एफर्टलेस नहीं है तो एफर्ट करने का, एक्टिंग करना इज ऑल्सो ओके। हमने कई बार पढ़ा है, समझा है, फेक इट टिल यू मेक इट। अगर हमारे तकलीफ में भी हैं हम स्माइल करने की चेष्टा करेंगे, स्माइल करते 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 यूनिवर्स हमें मौका दे देगी कि हम स्माइल एक्चुअल लाइफ में कर पाए। सो हमें इस बात को बहुत जल्दी से एक्सेप्ट कर लेना है कि यूनिवर्स सब कुछ देता है हमें जब हम उसको देने के लिए रेडी होते हैं या हम अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं। हमें एक चीज और समझना पड़ेगा, अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया हमारे रिलेशनशिप में कि जैसा है बहुत अच्छा है, खुशी की जगह हमें सिर्फ क्या मिलेगा, फ्रीडम मिलेगी, और फ्रीडम के बाद खुशी मिलेगी। क्योंकि जब हमने एक्सेप्ट कर लिया कि जैसा है तो हमने अपने लिए डूज एंड डोंट्स नहीं बनाए कि ऐसा करने से कंडीशनल हैप्पीनेस, ऐसा करने से ऐसा, नो। ऑटोमेटिकली
हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया एंड तब रिलेशनशिप्स अपनी गति से और बेटर हो जाते हैं और हमें और कुछ करने लगते हैं। ऐसे रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स की गाइडेंस से अलाइन हो जाते हैं। कैसे अलाइन हो जाते हैं, जो हम चाहते हैं अपनी हायर कॉन्शियसनेस से। हमारी हायर कॉन्शियसनेस क्या है, जो जिसके साथ हम पैदा हुए हैं, लव एंड लाइट, ऑटोमेटिकली हम उसको देखना शुरू करते हैं। इसमें थर्ड लाइन पे लिखा हुआ लास्ट के ऊपर उच्चतर चेतना, ये देखिए आपने मुझे पूछा कि हायर कॉन्शियसनेस कहाँ लिखा, ये लिखा उच्चतर चेतना, मतलब हायर कॉन्शियसनेस। हायर कॉन्शियसनेस मतलब कॉन्शियस तो आप अभी हैं, जब आप सेशन सुन रहे हैं, अगर आप फुल्ली अवेयर हैं, अपना मोबाइल टिकटॉक नहीं कर रहे तो आप सेशन सुन रहे, तो आप अभी कॉन्शियस हैं कि सेशन सुन रहे हैं। उच्चतर चेतना मतलब जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है, योर सोल कॉन्शियसनेस। उच्चतर मतलब सोल, आपके अंदर एक आत्मा है, उस आत्मा ने आपके साथ जीवन में आए हैं आप लोग, एक नाम लेके, छवि लेके, एक कंट्री में लेकर, पर एक पर्टिकुलर कार्य करने के लिए, और वो कार्य हमेशा उच्चतम होता है बिकॉज आत्मा कभी रॉन्ग गाइडेंस नहीं देती है। तो हायर कॉन्शियसनेस के साथ, जिसके साथ पैदा हुए हैं आप, उसके साथ आपके अलाइनमेंट हो जाती है जब आप पुराने ढर्रे ओल्ड पैटर्न्स को छोड़ देते हैं। जब पकड़ के रखते हैं तो ग्रस्त रहते हैं। किसमें ग्रस्त रहते हैं, दुख, दर्द, भ्रम, परेशानी, पागलपन, मैडनेस, कंफ्यूजन, वायलेंस, बहुत कुछ करोगे आप। लेकिन जब आप छोड़ लेट गो कर देते हो तो क्या होता है, हल्का फील करते हो। इमेजिन करें आपके हाथ में 10 किलो लोहे की सिल्ली है, वो भी एक हाथ में, कैसे पकड़ पाएंगे, टू टाइट, गिरेगा ही गिरेगा, आपके कंधे में भी इंजरी आएगी। और जब आप छोड़ देंगे तो कैसे फील करोगे आप, हल्का। ऐसा ही हम फील करते हैं जब हम अपने पुराने लिमिटिंग बिलीफ को या कोई बिलीफ सिस्टम को पकड़ के रखते हैं, उसके इंसानों को पकड़ के रखते हैं, तो गला घुटने का फीलिंग होता है। अगर आप लोग की लाइफ में ऐसे कोई इंसान है जिन्होंने आपके साथ बहुत किया है ऐसा, कि नहीं ऐसे ही चलना है, ऐसा ही करना है, बड़े बुजुर्ग ज्यादा करते हैं, तो आप कैसा फील करते हो। तो आपको रियलाइज करना है कि हम सब इस लाइफ में आए हैं एक रीजन के लिए। जब हम बहुत टाइटली किसी को होल्ड करते हैं तो हमें अपनी ग्रिप धीरे 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 कम करनी पड़ती है। ग्रिप टाइट करना बहुत ईजी होता है, लेकिन उसको छोड़ने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो स्टेप बाय स्टेप आती है। अगला सवाल क्या रहा है एकहा टोल को, मेरा मानना है कि किसी संबंध को एक आध्यात्मिक साधना बनाने के लिए दो जनों की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। उदाहरण के लिए, मेरा जोड़ीदार अभी भी ईर्ष्या करने और लगाम अपने हाथ में रखने के पुराने नर्रे के व्यवहार में ही चल रहा है। मैंने कई बार ये बात उसे बताई है लेकिन उसकी समझ में ही नहीं आती है, और ये इंसान की प्रवृत्ति होती है। जब हम दूसरे के साथ उसकी गलतियां ढूंढते हैं तो हम अपने आप को हल्का फील करते हैं, तो हम अपने आप को डी विक्टिमाइज कर देते हैं या विक्टिमाइज करते हैं। आइए समझते हैं कि इनका क्या सवाल है। इनका बोलना है कि मेरा जो पार्टनर है उसको मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश करी लेकिन उसका तो वही पैटर्न है, वो जेलस भी रहता है, वो तो कंट्रोलर भी है, और मेरे समझाने से भी उसको नहीं समझ में आती। पहली बात तो सबका समय आता है, समय से पहले समय की बात कुछ नहीं मिलता। अगर आप चाहते कोई अध्यात्म की जर्नी पे आ जाए, कोई नहीं आएगा बिना उनके समय के। सिंपल एग्जांपल, मेरी मामा को मैं आज 20 साल से बोल रही हूँ, मामा गीता जी में आ जाओ, मामा उपनिषद कर लो, मामा वेदांत क्लास ज्वाइन कर लो, आपको समझ में आएगा, स्पिरिचुअलिटी की बात पे आगे जाओगे। आई भी, मन नहीं लगा, वापस चली गई, और एक बड़ा झटका मिला उनको मानसिक लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, जब मेरा भाई चला गया ऊपर रहने के लिए। जब वो निकला धरती माँ से, जब वो निकला कॉन्शियस बॉडी से, उसके सोल ने उसको छोड़ा, विदिन 6 मंथ्स मेरी मामा में काया पलट हो गया, उनकी प्रवृत्ति बदल गई, डिप्रेशन में नहीं जाके उन्होंने अध्यात्म को अपना सहारा बना लिया अपने ग्रीफ से बाहर निकलने के लिए। तो समय के पहले समय के बाद कुछ नहीं होता है। अगर आपके पार्टनर का समय आ गया तो आपकी बातें समझ में आ जाएंगी, उनको नहीं आया तो नहीं समझ में आएंगी। एकहा टोल का क्या बोलना है, प्लीज समझते हैं। अपने जीवन को एक आध्यात्मिक साधना बनाने के लिए आपको कितने जने चाहिए? अगर आपका जोड़ीदार इसमें सहयोग नहीं कर रहा है तो बुरा मत मानिए। अविचिप्तता तथा विवेकशीलता यानी चैतन्यता
इस संसार में केवल आपके माध्यम से आ सकती है। आपको इस बात की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है कि जब सारा संसार या कोई और चैतन्य हो जाएगा तब आप एनलाइटेंड हो पाएंगे, फिर तो आप जीवन भर प्रतीक्षा में ही बैठे रहेंगे। एक दूसरे पर अचैतन्य होने का दोषोपुराण मत करते रहिए। ज्यों ही आप वाद विवाद में पड़ जाते हैं त्यों ही आप अपनी किसी मानसिक अवस्था के साथ तादात्म्य हो जाते हैं, और फिर आप न केवल उस अवस्था को बल्कि अपने अहम भाव को भी बचाने में लग जाते हैं। तब बागडोर अहम के हाथ में आ जाती है, आप अचैतन्य हो गए होते हैं। कई बार यही वह सही अवसर होता है जब आप अपने जोड़ीदार के व्यवहार के कुछ पहलुओं की ओर इशारा कर सकते हैं। अगर आप सजग सचेत हैं, पूरी तरह से प्रेजेंट हैं, तो आप अहम को बीच में लाए बिना भी ऐसा कर सकते हैं, यानी बिना किसी दोषारोपण किए, बिना कोई निंदा आलोचना किए या बिना उसे गलत ठहराए। सो ह्यूमन प्रवृत्ति है फाइट ऑफ लाइट, और ये हमें प्रवृत्ति मिली थी प्रकृति से, मां प्रकृति से, जब हम आदमखोर से जानवर इंसान बने थे। उस समय मारते थे जानवर को और खाते थे या खुद शिकार हो जाते थे उस जानवर का। हमने गेहूं उगाना तो बहुत बाद में शुरू किया, तो फाइट ऑफ लाइट हमारी टेंडेंसी है। आज भी जब हमें तकलीफ आती है या तो हम फाइट करने चाहते हैं या हम भाग जाना चाहते हैं। अब हमारी लाइफ में इतने सारे लोग आते हैं, और अगर हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, तो हम चाहेंगे कि भाई दूसरा इंसान भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हो तो मजा आ जाएगा। कि मजा, चैलेंजिंग बात तो यही है कि आप स्पिरिचुअलिटी के पथ पे चल रहे हो और वो नहीं चल रहे, तब आप अपने आप को वाकई में टच कर सकते हो। सब कुछ बढ़िया बढ़िया तो बढ़िया बढ़िया होगा ही ना। प्रॉब्लम्स आती हैं हमें कुछ सिखाने के लिए। सैनिटी, कॉन्शियसनेस क्या कब आती है? ये इस दुनिया में सिर्फ हमारे माध्यम से आती है। विवेकशीलता, तो हमें बहुत ज्यादा समझ, अगर हमें विवेक चाहिए, अगर हमें कॉन्शियसनेस चाहिए, तो हमें ही उसको इस लाइफ में लाना पड़ेगा। हम इंतजार नहीं कर सकते मेरा पार्टनर, मेरी फैमिली, मेरे कलीग्स ये एनलाइटेंड हो तो मैं तब एनलाइटमेंट में आ पाऊंगा, फिर तो दुनिया में हम वेट करते रहेंगे। सबकी अपनी जर्नी होती है। क्राइस्ट की अपनी जर्नी थी, बुद्धा की अपनी जर्नी थी, बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं उनकी अपनी जर्नी रहती है। कोई किसी के साथ एनलाइटमेंट पाए तो कोई वो है ही नहीं। सो हम क्या किसका वेट कर सकते हैं? हम कितना भी वेट कर सकते हैं, हम आगे से आगे नहीं जाएंगे, वहीं पर खड़े हुए रहेंगे। तो ये वेटर बनना बंद करें। वेटिंग, वेटर क्या होता है? ये वर्ड बना है बेरा, जिसको इंग्लिश में वेटर बोलते हैं, वो वेट करता है आपके लिए कि आप ये बोलेंगे तो वो लाएगा, ऐसा करेंगे तो सुनेगा। आप भी वेटर हैं, आप वेट कर रहे हो वो ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, उसके इशारे की वेट कर रहे हो। लेकिन हमको वेटर बनाने के लिए नहीं बनाया गया था, हमें कॉन्शियस बींग्स के तहत बनाया गया था, जो अपनी लाइफ में लव एंड लाइट संभालते हैं, देखते हैं। पर हम क्या बन गए? हम वेटर्स बन गए, वो उस पर डिपेंडेंट हो गए। अब हम विक्टिम बन जाते हैं बड़े इजिली, ब्लेम गेम कर लेते हैं बड़े इजिली, दोषारोपण करना सेकेंड नेचर हो गई है। वाद विवाद, कॉन्ट्रोवर्सी में पढ़ना, आर्ग्यूमेंट पढ़ना हमारी सेकेंड नेचर हो गई। अब इसे आर्ग्यूमेंट, अभी उसे आर्ग्यूमेंट, अभी उसे आर्ग्यूमेंट, इससे क्या होता है? मेंटल बैलेंस भी हमारा बिगड़ जाता है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है, लेकिन हम कॉन्शियसनेस से नहीं लाइफ लिव कर रहे हैं। हमारा ईगो ट्रिप हमें करा रहा है, वो हमारी पकड़ के हमें कंट्रोल कर रहा है, और ईगो कभी भी चैतन्यता के पाथ पे नहीं लेकर जाएगा। अगर आपको पथ पे चलना है चैतन्यता के, सो प्लीज अंडरस्टैंड, आपको ईगो को ड्रॉप करना पड़ेगा। एम को, जहां आई मी एंड एम आया, उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे मन में आ गया मैं सेशन ले रही हूँ, मैं प्राची अग्रवाल सेशन ले रही हूँ, तो बस ना मैं पढ़ा पाऊंगी ना मैं आगे बढ़ पाऊंगी। पर अगर मैं बोलती हूँ कि मैं सेशन ले रही हूँ मुझे गाइडेंस मिली है, या मैं निमित्त मात्र हूँ एक हायर कॉन्शियसनेस को आप तक के लिए पहुंचाने के लिए, तो मैं सही पाथ पे हूँ। लेकिन मैं बोलूँ मैं तो बड़ा सेवा करती हूँ, मैं तो बड़ा ये करती हूँ, मैं तो बड़ा वो करती हूँ, तो मेरा ईगो ट्रिप पे हूँ, तो मेरे को संस्कार, अच्छे संस्कार नहीं बनेंगे, मेरे को पुण्य नहीं मिलेगा,
क्योंकि मैं ईगो के लिए काम कर रही हूँ, मैं नाम शोहरत के लिए काम कर रही हूँ। तो हमें समझना चाहिए कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। और जो हमारे पार्टनर्स होते हैं वो हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। अगर हमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हमें फिर क्या समझना है कि हम क्या पूरी तरह से अवेयर हैं, प्रेजेंट हैं, अहम से फ्री हैं, ईगो से फ्री हैं, उसके बिना लाए, बिना ब्लेम गेम करे, बिना हम अक्यूज करे, बिना उसको रॉन्ग ठहराए, क्या हम चल रहे हैं हम क्या। अगर ऐसा है तो इसका मतलब हम कॉन्शियस हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब हम ईगो ट्रिप पे जा रहे हैं। सो आइए इसको और आगे बढ़ाएं, आगे और पढ़ें। जब आपका जोड़ीदार अचैतन्य रूप से व्यवहार करे तो कोई निर्णय निष्कर्ष मत निकालिए। निर्णय निष्कर्ष निकालना या अपने साथ वालों के साथ किए जाने वाले किसी के अचैतन्य व्यवहार को भ्रमित कर देना है, या दूसरों पर अपनी ही अचैतन्यता थोप देना है और उन्हें ही अचैतन्य समझने की गलती करना है। निर्णय निष्कर्ष न लेने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि जब आप किसी गड़बड़ी या अचैतन्यता को देखें तो उसे उसी रूप में ना आंकें, बल्कि इसका अर्थ है निर्णय निष्कर्ष लेकर प्रतिक्रिया करने के बजाय जानना। ऐसे करने पर या तो आप प्रतिक्रिया से पूरी तरह मुक्त रहेंगे या आप प्रतिक्रिया के बावजूद जानकार रहेंगे। यह वह आकाश होगा जिसमें प्रतिक्रिया का अवलोकन होगा और उसे होने भी दिया जाएगा। तब अंधेरे से जूझने के बजाय आप प्रकाश ला रहे होंगे। गलती पर भड़क उठने के बजाय आप उस गलती को देखने के साथ साथ उसमें से पार भी देख रहे होंगे। जानकारी होना प्रेमपूर्ण प्रेजेंस का एक ऐसा निर्लभ, निर्मल व स्वच्छ आकाश की रचना करना है जिसमें सभी चीजों को और सभी लोगों को वैसे ही रहने दिया जाता है जैसे कि वे हैं। उन्हें बदलने वाला कोई बड़ा उत्प्रेरक वहां नहीं रहता है। अगर आप यह अभ्यास करें तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जोड़ीदार आपके साथ भी रहे और अचैतन्य भी रहे। जैसे आप हैं वैसा आपके साथ रहने वाला बन जाएगा। ये आपके लिए भी अप्लाई करता है। अगर बगल में आपका इंसान बहुत एजिटेटेड है और आपने उसको अपने ऊपर हावी होने दिया तो आप भी एजिटेटेड बन जाओगे। आपका पार्टनर कैसे भी बिहेव कर रहा है, अनकॉन्शियसली अचैतन्य रूप से भी व्यवहार कर रहा है, तभी भी आपको कोई भी राइट नहीं बनता कि आप कोई निर्णय लें, कोई डिसीजन लें या निष्कर्ष निकालें, कोई उसका एनालिसिस करें या जजमेंट करें। जजमेंट हमें बस हम ले लेते हैं जजमेंट, लेकिन हमें जजमेंट का कोई राइट नहीं है। जजमेंट का राइट किसको है? जज को। उसको जज बनाया गया बहुत सारी चीज दिखाकर, बट हम लोग खुद भी जज बन जाते हैं। कोई कैसा भी बिहेवियर कर रहा है, कोई अचेतन व्यवहार से कर रहा है, उससे हम अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने जो उसमें देख रहे हैं वो हमारे अंदर होता है तब हमको उसमें दिखता है। उसमें नेगेटिव दिख रहा है तो हमारे अंदर नेगेटिव है, इसलिए दिखा जा रहा है। सो बहुत आसान है जजमेंट करना, बट ये देखिए जब हम जजमेंट करते हैं, जैसे अगर हम फिंगर पॉइंटिंग करते हैं, इवन मदर नेचर ने क्या बनाया, ऐसे बनाया तो चार फिंगर्स हमारी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, अंगूठा भी और फिंगर्स भी। तो ये अहम की जो उंगली है ना, इसको मोड़ के रखा करिए। हमें कोई राइट नहीं बनाया किसी और के लिए उसकी गलतियां ढूंढने के लिए, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। हमें कोई राइट नहीं मिला है कोई हम जजमेंट करें किसी भी प्रकार का और हम किसी को किसी भी टाइप की बातें बोले। हमें टोटली फ्री होना है, मुक्त होना है अपने रिएक्शन से, तब जाके हम कहीं ना कहीं डिटैच हो पाएंगे। हमें समझना पड़ेगा कि अगर ये अंधेरा आया है तो इसके बाद उजाला भी आएगा। एट द एंड ऑफ एवरी डार्क टनल देयर इज लाइट। आप कभी गए होंगे ना टनल्स के बीच में से, सड़क में से टनल के बीच जाते, तो अब तो खैर लाइटें शुरू हो गई। अगर आपको 20-25 साल पहले याद हो, अंधेरा होता था, आप अपनी गाड़ी की हेडलाइट चालू की देखते थे कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे हो, लेकिन एंड में प्रकाश मिलता था ना। इतना ही नेचर का प्रिंसिपल अगर हम समझ लें कि हम टुका टाकी वाले कोई नहीं होते, हमें इससे लड़ना नहीं है, लेकिन हमें अपने अंदर का प्रकाश शेयर करना है और हमें लड़ने की जगह उस इंसान को प्यार मोहब्बत देना है, एक जगह देना है, एक माहौल देना है जहां सिर्फ प्रेम
है, प्रेम है और उसे प्रेम है। जब हम उस वर्ल्ड से जाते हैं वो इंसान और भड़केगा नहीं, उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। नहीं तो अगर आप भी भड़के हैं तो क्या होता है, आप भड़के वो कैटलिस्ट बन गए और उत्प्रेरक बन गए। तो बस हमें वो सब नहीं बनना है, हमें उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, राइट? तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमको उसके साथ कॉन्शियसली लाइफ बितानी होगी। अगर वो अनकॉन्शियस चैतन्य भी है तभी भी हमको, हम तो चैतन्य है ना, तो हमको उसमें क्या करना है, चैतन्यता से लाइफ गुजारनी है, उसके साथ रहना है, लीड बाय एग्जाम्पल। सुना होगा आप लोगों ने, तो एग्जाम्पल की तरह बनिए। जी, अगर आप दोनों ही इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि आपका संबंध आपकी आध्यात्मिक साधना बना रहेगा, वह तो सबसे अच्छी बात है। तब जो ही कोई विचार या कोई भाव उठे या कोई प्रतिक्रिया आए तो उसे आप एक दूसरे को अभिव्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि आप समय का ऐसा अंतराल ना बनने दें जिसमें कि व्यक्त ना की गई और दबाई गई कोई भावना, व्यथा या शिकायत घाव ना बन जाए, बढ़ ना जाए। यह सीखिए कि जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं उसे बिना कोई दोषारोपण किए कैसे अभिव्यक्त किया जाए। यह सीखिए कि अपने जोड़ीदार को खुले मन से कैसे सुना जाए, यानी अपने मन में अपने बचाव के लिए कोई मोर्चा बंदी किए बिना ही कैसे सुना जाए। अपने जोड़ीदार को अपनी बात अभिव्यक्त करने देने के लिए स्थान दीजिए, प्रेजेंट रहिए। निंदा आलोचना करना, अपना बचाव करना यानी खुद को सही सिद्ध करना, आक्रामक होना, ये सब तौर तरीके वे हैं जो अहम को पुष्ट करने या उसका बचाव करने या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन तब ये सभी फालतू की, बेकार की चीजें हो जाते हैं। दूसरों को और खुद को भी रिक्त स्थान उपलब्ध कराना यह बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यावश्यक है। इसके बिना प्रेम फल फूल नहीं सकता। संबंधों को विध्वंस करने वाले दो कारकों को अगर आप हटा व मिटा देते हैं, यानी अगर आपने अपने संचित दुख का त्वावंतरण कर दिया है और अपने मन व मनोदशा के साथ अपनी तादात्म्यता से आप हमेशा के लिए बाहर आ गए हैं और आपके जोड़ीदार ने भी ऐसा कर लिया, तो आपके संबंध के पल्लवित पुष्पित होने का आनंद आप अनुभव कर सकते हैं। एक दूसरे को अपनी पीड़ा और अचैतन्यता का आईना दिखाने के बजाय, एक दूसरे से अपने अहम की लत जैसी जरूरतों को पूरा करने के बजाय, तब आप एक दूसरे के प्रति वह प्रेम प्रतिबिंबित करेंगे जो आप अपने भीतर गहरे में महसूस करते हैं, वह प्रेम जो आप हर कुछ और हर किसी के साथ अपने ऐक्य का भाव हो जाने के साथ करते हैं। यही वह प्रेम है जिसका ना कोई विलोम है और ना कोई विपरीतता। So, हम दो जने होते हैं, कभी भी कंट्रोवर्सी आती है, प्रॉब्लम आती है, दो जने रहते हैं, राइट? प्राय तौर पे अगर हम दोनों अग्री कर जाते हैं कि हमारा जो संबंध है, जो हमारा रिलेशनशिप है, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन रहा है, तो फैंटास्टिक। इसका मतलब कि कोई भी हमने अगर अपने विचार व्यक्त करे, एक्सप्रेस करे अपने थॉट्स, फीलिंग्स जैसे वो आए, तो उसका रिएक्शन तुरंत नहीं आएगा और हमने थोड़ा सा उसमें गैप क्रिएट कर दिया। अभी किसी ने कुछ बोला, हम रजिस्टर करेंगे, तुरंत उठ के नहीं बोलने वाले। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम अपने रिलेशनशिप को क्रिएट कर रहे हैं कि उसमें कोई इंसान कुछ भी जो नहीं बात हुई अब वो बातें कर सकते हैं, अब उसमें दुर्विचार, कंप्लेंट्स वो नहीं ग्रो होंगी, अब क्या ग्रो होगा, अच्छे विचार, अच्छी कंपनी। हम सबको क्या सीखना है, इक्का टोलका बोलना है, हम सबको सीखना है कि हम लोग को ऐसे बातें बोलनी है जिसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे। गलती अगर उसकी है भी तो हमें ऐसा एंगल व्यक्त करना है जहां हम ब्लेम गेम नहीं कर रहे हैं। हमें क्या सीखना है, अपने पार्टनर की बात को सुनना। कैसे सुनना, बिना रिएक्ट करे सुनना।
नहीं तो कभी पार्टनर ने कुछ बोला, हम डिफेंसिव हो गए, हमने अपना एंगल बीच में काट के रख दिया, तो गहमा गहमी में बात कहाँ शुरू थी, कहाँ चले गए, पुराने बड़े मुर्दे भी निकल के आ गए। तो हमें नॉन डिफेंसिव फैशन पे ओपन माइंडेडली रिसीव करनी है उनकी बातें, जो बोल रहे हैं सुननी है, अपने पार्टनर को एक सेफ स्पेस देनी है कि वो अपनी बात को व्यक्त कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए बिना किसी जजमेंट के, उसको पता है कि मेरे को सुन रहे हैं। और हमें क्या करना है, सुनने के लिए एक्चुअली ये नहीं कि हम सुन रहे हैं, बॉडीली सुन रहे हैं, मेंटली साइकोलॉजिकली इमोशनली स्पिरिचुअली सब जगह सुन रहे हैं। मोबाइल किया उल्टा, करा थोड़ा दूर, साइलेंट पे किया और उसकी बातें सुने, बी प्रेजेंट, इसमें क्या प्रेजेंट रहिए, सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें बी प्रेजेंट रहना है। अगर हम अक्यूज कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो डिजाइन पैटर्न्स बने हुए हैं, ये क्यों बने हुए हैं कि हम अपने आप को राइट प्रूव कर रहे हैं, और ये हमें नहीं करना। अगर हम अपने आप को राइट प्रूव कर रहे हैं तो मतलब हम ईगो ट्रिप पे हैं, हम ईगो को बढ़ावा दे रहे हैं, ईगो को नेक्स्ट लेवल लेकर जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अवेयर रहना, कॉन्शियस रहना, मतलब डिटैच रहना, मतलब ईगो से फ्री रहना। ईगो को खाना क्यों खिलाएंगे हम, जब ईगो चाहिए नहीं। तो दूसरों को स्पेस देने से हमें खुद को भी स्पेस मिलती है, जब वो फलते फूलते हैं हमें, हम भी फलते फूलते हैं। प्यार बिना जगह के, स्पेस के नहीं बढ़ सकता। जो इंसान दूसरे के ऊपर बहुत टाइट कड़ी लगाम रखता है, चाहे पेरेंट्स हों चाहे पार्टनर्स हों, उनका रिलेशनशिप द्वंद्वित खराब खराब होगा ही होगा। और जो लोग खुला छोड़ते हैं तो वहां एक आप ब्रीथ कर सकते हो, अपनी बात बोल सकते हो, वो रिलेशनशिप आगे जाता है। हमें बोला जा रहा है कि दो फैक्टर्स हैं जो हमें बहुत स्ट्रांगली समझने हैं। क्या हैं वो दो फैक्टर्स? पहली बात तो हमें अपने रिलेशनशिप्स में दो फैक्टर्स को हटाना है जो हमारी रिलेशनशिप खराब करते हैं। पहला, जब कभी भी हमारी बॉडी में टेंशन, टकराव, पेन कुछ आए, तो हमें उस समय अपने आप मिरर दिखना है कि अरे ये मुझे दर्द आया, ये प्रॉब्लम आई, मतलब मैंने कहीं ना कहीं किसी शॉर्टल किया, कोई गला घोटा किसी चीज का, और रिलेशनशिप में तभी जाके मुझे ये प्रॉब्लम आई, तो ये हमारा एक चेक हुआ। जब हम आइडेंटिफाई नहीं करते किसी चीज के साथ तो वो हमें छोड़ भी देगा, दर्द भी हमारी बॉडी से निकल जाएगा। जब हमने रिलेशनशिप में लूज हुए तो वो भी हमारी लाइफ में चला जाएगा। जब कभी ईगो आया, ऐसा अहम की बात आई, तो समझ जाइए आप एक एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, आप फ्री नहीं हो रहे हैं, और ये आपके प्यार में, मोहब्बत में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। हमें ऐक्य का भाव चाहिए, द फीलिंग ऑफ वननेस चाहिए, और ये लव है, ये कोई रिलेशनशिप कुछ बाहर से नहीं आया, लव का ऑपोजिट नहीं है, कोई विपरीत नहीं है, हेट नहीं है, इट्स लव दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और लव देंगे तो लव मिलेगा। अगर वो प्रॉब्लम पे जा रहा है उसको लव दीजिए, वो सही पैटर्न पे आ जाएगा। बट ये बात हम समझते ही नहीं है, बोलते लव पे वो रॉन्ग एंगल पे गया क्यों, नहीं, इट्स ऑल राइट टू अर इज ह्यूमन, ह्यूमन बींग्स हैं तो गलतियां तो करेंगे, वो तो हमारा एक राइट है, लेकिन आप सही ट्रैक पे, ट्रेन की पटरी से ट्रेन ऑफ होती है तो सही भी तो कोई ना कोई लाकर देता है ना, इट्स ऑल राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका जोड़ीदार तब भी अपने मन और अपने संचित दुख के साथ तादात्म्यता बनाए रखता है जबकि आप उस सब से मुक्त व स्वतंत्र हो चुके हों, तब यह एक बड़ी चुनौती होगी, आपके लिए नहीं बल्कि आपके जोड़ीदार के लिए। किसी एनलाइटेंड व्यक्ति के साथ रहना कोई आसान बात नहीं होती, बल्कि कहें कि उसके साथ रहना उसके जोड़ीदार के अहम के लिए बड़ा खतरा बन जाता है बिना कुछ किए। याद रखिए कि अहम को खुराक चाहिए होती है, समस्याओं के रूप में, द्वंद्व व टकराव के रूप में और शत्रुओं के रूप में, ताकि वह अलगाव की उस भावना को पुष्ट करता रह सके जिस पर कि उसकी पहचान निर्भर करती है। एनलाइटेड व्यक्ति का जोड़ीदार बुरी तरह खीन रहने लगता है क्योंकि उसकी अड़ियल बातों का वह कोई प्रतिरोध ही नहीं करता, जिसका अर्थ होता है कि वे बातें डावाडोल होने लगेंगी और कमजोर होती चली जाएंगी।
और यह खतरा भी हो सकता है कि कहीं वे पूरी तरह धराशायी ना हो जाएं, जिसका परिणाम होगा अहम का नुकसान होना। संचित दुख बार बार खुराक चाहते हैं, लेकिन तब वे उन्हें मिल नहीं पाती है। वाद विवाद, बहसबाजी, नाटक, तमाशा और ध्वन टकराव की उसकी तलब तब पूरी ही नहीं होती है। किंतु सावधान, कुछ लोग जो अनुक्रिया नहीं करते, जो भाव शून्य है, उदासीन और असंवेदनशील है या अपने एहसासों से कटे रहते हैं, वे ऐसा मान सकते हैं या दूसरों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास कर करते हैं कि वह तो एनलाइटेंड है, या कम से कम यह कि उनमें कोई गड़बड़ नहीं है, और सारी गड़बड़ उनके जोड़ीदार को कम समझ वाली और सारी गड़बड़ उनकी जोड़ीदार में है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुष ऐसा प्रदर्शन अधिक किया करते हैं। वे अपनी जोड़ीदार को कम समझ वाली और भावुक मानते हैं, लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं या फिर उनके बिल्कुल तले रहने वाले आंतरिक शरीर से दूर नहीं रह जाते हैं, अगर आप मुख्यतः केवल अपने सिर में ही रहा करते हैं, तो यह फासला बहुत बढ़ जाता है, और तब आप अपने आंतरिक शरीर तक पहुंचने के लिए आपको भावनात्मक शरीर में चैतन्यता को प्रवेश कराने की आवश्यकता पड़ती है। ब्यूटिफुल, एब्सोल्युटली लवली। अगर हमारे पार्टनर्स अभी तक स्वतंत्र नहीं हुए हैं, फ्री नहीं हुए हैं, सेल्वेशन की तरफ नहीं गए हैं, और उन्होंने पेन बॉडी से अपने आप को आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो चैलेंजिंग हो सकता है पार्टनर के लिए भी और हमारे लिए भी। आसान नहीं होता एनलाइटेंड इंसान के साथ रहना। एग्जाम्पल के तौर पर हस्बैंड और वाइफ हैं, आज हस्बैंड एनलाइटेंड हो गया और वाइफ बकर 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 करे जा रही है और वो उनको तूल नहीं दे रहे, तो वो सोचेंगे, सोच सकती हैं कि इनको सुनते नहीं, समझते नहीं, मैं तो अकेले बक 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 करे जा रही हूँ, इनको तो कोई मुझसे मतलब नहीं है। पर एनलाइटेंड इंसान क्या बोल रहा है कि अगर मैं इसकी बातों को तूल दूंगा तो ये राई का पहाड़ बना देगी और मुझे इस जंजाल में नहीं फंसना है, मुझे द्वंद, मुझे टकराव, मुझे ईगो ट्रिप नहीं चाहिए। ईगो कौन है? मेरा एनिमी है। ईगो कौन है मेरे साथ? मेरी एनलाइटमेंट के रास्ते में बहुत बड़ा पहाड़ है जिसको मैं पार करने मुझे प्रॉब्लम आएगी। और आप जो वाइफ है या जो दो भी दूसरा पार्टनर है, वो लोग क्या सोचते हैं कि मुझे कोई तवज्जो नहीं दे रहा, मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, मेरी कोई बातें नहीं सुन रहा। एक्चुअली में तो ये बोलते डामाडोल होने लग जाता है उनका पूरा, वो रेजिस्ट भी करने लग जाता है। हमें क्या करना है, उस फ्रस्ट्रेशन को भी ध्यान से हैंडल करना है, वहां पर भी प्रेम देना है, ये नहीं कि इग्नोरेंस दिखानी है। हमें इग्नोर करना है उनकी प्रवृत्ति जहां वो लड़ना झगड़ना चाह रहे हैं, बट हम प्रेम दिखा सकते हैं जैसे भी हम दिखाना चाहें। शरीर में तकलीफ आएगी, वो डिमांड करेगी आप अटेंशन दो, चिक चिक के कि मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, पर इसको हमें इग्नोर करना है, अपने आप को हीलिंग देनी है, तो दर वो भी हमारी बॉडी से गल जाए। कोई भी बिना अटेंशन के नहीं सर्वाइव कर पाता, बच्चा, बड़ा, बीमारी, कोई, सबको अटेंशन चाहिए होती है। बीमारी भी आती है लाइफ में कि आप चार लोग को बोले हाँ सर में बहुत दर्द है, यहाँ बहुत दर्द है, आप उसको इग्नोर करके देखिए, वो गायब हो जाएगी। जो पेन बॉडी हमें मांगती है हमसे, हम नहीं देते हैं, वो इग्नोर फील करती है। और चीज में हमें ध्यान देना पड़ेगा, वाद विवाद, बहसबाजी, नाटक, तमाशा, द्वंद, टकराव की उनकी तलब भी पूरी नहीं होती है। ये सब डिस ईज की तरह बॉडी में आता है, जो कि आपको इजी नहीं होने देता। तो अगर आपको जरूरत फील हो रही है कि आर्ग्यूमेंट करनी है, कोई ड्रामा दिखाना है, कोई कॉन्फ्लिक्ट करना है, तो उसको प्लीज इग्नोर कर दीजिए, कोई इसमें अकलमंदी नहीं है। लेकिन हम संचेत होने को बोल रहे हैं, कंट्रोल, बेवेर होने को बोल रहे हैं। कई लोग आपको कोई अनुक्रिया नहीं देंगे, रिस्पॉन्स नहीं देंगे, और पीछे से लगेंगे कि जैसे अपने आप को खींच लिया उन्होंने, पीछे विड्रॉ कर लिया है, या आपको लगेगा कि ये इंसान बिल्कुल भी मेरी तरफ वो नहीं है, इनसेंसिटिव है, मेरी फीलिंग के कोई ध्यान नहीं देता। ये ऐसा है बिकॉज ये एनलाइटेंड है। नेक्स्ट टाइम कभी ऐसे लोग दिखें तो कंप्लेन करें, जो ओ माई गॉड, मैं चैप्टर में पढ़ा था ये इंसान तो थोड़ा आगे पहुंचा हुआ है, इसको पता है चाहे नहीं पता है, ये तो एनलाइटेंड है,
और हम सब पैदाइशी इनलाइटन होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम भूल जाते हैं। तो गलत ठहराने की जगह उस इंसान को थोड़ा सा वैल्यू करिएगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है जब अगर वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। कई बार इसमें एकाठ होकर बोलना है कि मर्द मेन वुमेन को इमोशनल समझते हैं और कम समझने वाले समझते हैं, बट ये एब्सोल्युटली असत्य है बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भावनाएं फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इमोशंस को समझते हैं तो हमारे अंदर की जो बॉडी है, जो इनर बॉडी है, जो रेडिएंट बॉडी है, उसको भी हम समझ पाएंगे। मून, आज मून का डे है इसलिए मैं ज्यादा बात करूंगी। मून इमोशंस इमोशनल होती है, फीमेल एनर्जी होती है, यिन एनर्जी होती है, इसलिए जल्दी हमारे सपने पूरे कर देती है, क्योंकि हमने कुछ मांगा, फीलिंग से मांगा, उसने दे दिया। हमने मैकेनिकल मांगा, मुझे 121 करोड़ रुपए दे दो, नहीं मांगेगी। मुझे 121 करोड़ दे दो क्योंकि मुझे ये स्कूल बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, एंड फील करो कि आप उस स्तर पर लोगों का कल्याण करें, तुरंत मिल जाएंगे। सो समझना इम्पोर्टेंट है कि इमोशंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई लोग बोलते हैं आंसू एक औजार बना लिया, अरे आंसू इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ। सो हमारा जो दिमाग बना है इसमें, जो हमारा सर है, और जो इसमें लिखा, अगर आप मुख्यतः केवल अपने सिर में ही रहा करते हैं तो ये फासला बहुत बढ़ जाता है। तब आप अपने अंतरिक्ष शरीर तक पहुंचने के लिए आपको भावनात्मक शरीर में चैतन्यता की प्रवेश कराने की आवश्यकता पड़ती है। जो लोग, इसका मतलब जो लोग अपने हेड से सुनते हैं ज्यादा, यहाँ से ज्यादा काम करते हैं, वो लोग कॉन्शियस नहीं रहते हैं। कॉन्शियस वर्ल्ड में जाने के लिए इमोशंस का बहुत जरूरत पड़ती है। जब हम इमोशंस और कॉन्शियसनेस को मिला देते हैं तो हम हाईएस्ट लेवल पे काम करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत गहरा चैप्टर, इट्स वेरी 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 ब्यूटीफुल। आइए आगे पढ़ें। आपके अंदर से यदि प्रेम और आनंद फूट नहीं रहा है, अगर आप पूरी तरह से वर्तमान में विद्यमान नहीं रहते हैं और सभी के प्रति अगर आप खुले नहीं हैं, तो यह एनलाइटनमेंट नहीं है। यह जानने का दूसरा पैमाना यह देखना है कि वह व्यक्ति किसी कठिन या चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में या स्थितियां प्रतिकूल हो जाने पर कैसा व्यवहार करता है। अगर आपका एनलाइटनमेंट एक अहम वाला आत्ममोह है, तो जीवन आपको जल्दी ही एक ऐसी चुनौती देगा जो कि आपकी अचैतन्यता को किसी ना किसी रूप में बाहर ले आएगा, जैसे भय, क्रोध, आत्मरक्षात्मकता, निर्णय निष्कर्ष, अवसाद इत्यादि। अगर आप संबंध में हैं, तो आपकी कई चुनौतियां आपके जोड़ीदार की मार्फत आएंगी। उदाहरण के लिए, किसी महिला के लिए उसका पति एक भाव शून्य पति के रूप में चुनौती बनकर आ सकता है, जो कि लगभग पूरी तरह बस अपने सिर में ही रहा करता है। पति के प्रेजेंस ना रहने के कारण पत्नी की बात ना सुन पाना, उसे तवज्जो ना देना और उसके होने के लिए रिक्त स्थान ना देना, महिला को ये चुनौतियां मिल सकती है। संबंध में प्रेम का लोप हो जाना, जिसे कि पुरुष की अपेक्षा महिला अधिक गहराई तक महसूस करती है, ऐसा होना महिला में संचित दुख को उभार देता है और उसके जरिए वे अपने पति पर हमलावार हो जाती है, जैसे दोष मरना, निंदा आलोचना करना, गलत ठहराना इत्यादि। यही बातें पलटकर पति की चुनौतियां बन जाती है। पत्नी के संचित दुख के आक्रमण से खुद को बचाने के लिए, जिसे कि वे पूरी तरह अवांछित मानता है, वे अपनी ही मनोदशा की खाई में और गहरे उतर जाता है और फिर या तो वे खुद को सही सिद्ध करने में लग जाता है या अपना बचाव करने लगता है या पलटकर हमला करने लगता है। फलस्वरूप यह सब उसके संचित दुख को उभार देता है। जब दोनों ही एक दूसरे से इस तरह से हावी हो जाते हैं, तब गहन अचैतन्यता की, भावनात्मक हिंसा की, असभ्यतापूर्ण आक्रमण या पलटवार की अवस्था आ जाती है, और यह अवस्था तब तक नहीं जाती है जब तक कि दोनों के ही संचित दुख फिर खुद को शांत नहीं कर लेते और फिर सुसुप्ता अवस्था में नहीं चले जाते अगली बार तक के लिए। हमारे अंदर प्रेम होता है, हमारे अंदर जॉय होता है, आनंद होता है,
और बहुत बार फूट के नहीं आता, एंड दैट्स फाइन. बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, कंप्लीट विद्यमानता, कंप्लीट प्रेजेंस. हमें अपने साथ प्रेजेंट टेंस में विद्यमान रहना है. अगर हम खुले होंगे, अंतर होंगे दूसरों के प्रति, ओपन होंगे, तो क्या होगा, इसको एनलाइटमेंट शब्द नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है. ये एक दिखाने वाला, एक आपको एक ब्लिंकिंग टूल है आपके लिए, जो आपको बताएगा कि जब प्रॉब्लम्स आती हैं, तो चुनौतियां जब आती हैं, कठिन सिचुएशंस जब आती हैं, तो ये इंसान प्रेम से काम करता है, नेगेटिविटी से काम नहीं करता. ये उस समय भी आपका, लाइक बोलते ना अंग्रेजी में कहावत है, दिस पर्सन हैज माय बैक. चैलेंजिंग सिचुएशंस आने के बाद भी ये इंसान रॉन्ग नहीं जाएगा, आपके साथ रहेगा. अगर आपके एनलाइटमेंट है और आप ईगो की दुनिया से काम कर रहे हो कि ये मेरा ऐसा, तो लाइफ आपको बहुत सारे चैलेंजेस देगी और आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी, गुस्सा भी आने की अपॉर्चुनिटी आएगी, यू नो, फियर, एंगर, जजमेंट भी होगा. आप शायद डिप्रेस भी फील हो जाओगे, शायद आप अपने लिए डिफेंसिव भी हो जाओगे. सो आपको इन सब से बचना है, और ये आप अपने लिए हो जाओगे, अपने पार्टनर के साथ आप उसको अपने आप को डिफेंड करते हुए दिखोगे. सो आपको ये बात बहुत समझनी पड़ेगी कि रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव होता है. अगर एक औरत, जो अभी पहले एग्जाम्पल में बताया था उन्होंने कि उसका हस्बैंड उसको नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसके दिमाग में उसके साथ प्रॉब्लम क्या आएगी कि उसको लग रहा है कि ये मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है, मुझे कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, और मेरे लिए कोई है ही नहीं. तो तब उसको लगेगा कि प्रेम की कमी अपने रिलेशनशिप में, और बहुत बार ये चीज होती है. इससे क्या होगा, उसके बॉडी में पेन आ जाएगा, वो उसका डिफेंसिव मैकेनिज्म रहेगा अपने आप को एक्सप्रेस करने का, और वो उसको, अब जब वो पार्टनर को अटैक नहीं कर पाए तो वो अपने आप को अटैक कर रही है. उसने ब्लेम कर लिया, क्रिटिसाइज कर लिया, विक्टिम बना लिया कि मेरा ये रॉन्ग हो रहा है, ये रॉन्ग हो रहा है, और अपनी बॉडी में क्या मैनिफेस्ट कर लिया, नेगेटिव एनर्जी. नेगेटिव एनर्जी कैसे, इन टर्म्स ऑफ पेन, प्रॉब्लम, दर्द. अब उसके लिए आदमी के लिए चैलेंज बन गया, भाई मेरी तो बीवी बीमार है, अब मैं क्या करूं. अब उसको चाहते हुए या नहीं चाहते हुए अटेंशन देनी ही पड़ेगी. अब अपने वो दिमाग में कर ले कि अरे मैं तो उसको ऐसे किया था तो ऐसे हो गया. अब वो अपनी खुद की पेन बॉडी को उजागर कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है. दोनों पार्टनर्स के ऊपर क्या आ गया, अनकॉन्शियस बिहेवियर आ गया, जिसको अभी आप नहीं आगे बढ़ सकते. साथ साथ में क्या आ गया, भावनात्मक हिंसा, इमोशनल वायलेंस आ गया, विक्टिमाइजेशन आ गई, अटैक आ गया, काउंटर अटैक आ गया. और ये दोनों के दोनों, जब ये नहीं निकलेगा, जब तक कि दोनों स्टेज में रहेंगे, अगली बार तक के लिए कंटिन्यू करेगा. तो क्या करना चाहिए हम इन सब के लिए, जब कोई इंसान नेगेटिव बात करे, आपको नहीं पसंद आए, आप वो बात मत सुने, बट उनको किसी और रूप से लाभ दिखा दें. इग्नोर नहीं फील होना चाहिए इस बात पे, नहीं आपको इनको दिखना तो दूसरी बात पे बात कर ले. और वो बोले कि आपने उसमें रिस्पॉन्ड नहीं किया, बोले मेरे मेंटल स्टेबिलिटी के लिए मैं उस पर नहीं कर सकता, मुझे पता है कि मैं बोलूंगा तो नेगेटिव आएगा, ये सही नहीं है. तो अगेन हमें क्या सिखाया जा रहा है, दोष मरना, निंदा आलोचना करना, गलत ठहराना नहीं करना है, चुनौतियां नहीं देनी है अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, आक्रमण अटैक नहीं करना है, लेकिन उनको फिर भी किसी ना किसी तरीके से वांटेड फील कराना है. ये वहां दो पहलू को अलग अलग ट्रीट करेगा, दोनों को मिक्स मत करेगा. आइए आगे बढ़ें. असंख्य संभावित घटनाक्रमों में से यह केवल एक उदाहरण है. स्त्री पुरुष संबंध में अचैतन्यता जिस तरह भभक कर बाहर आती है, उस पर अनेकों किताबें लिखी जा चुकी है, और उनसे भी ज्यादा अभी और लिखी जा सकती है. लेकिन जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं, एक बार अगर आप इस विकार का, इस गड़बड़ का मूल कारण जान लें, तो फिर आपको यह जानने की जरूरत नहीं रह जाएगी कि यह कितने रूपों में प्रकट हुआ करता है. कितने किताबें आई हैं, मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस, वुमेन को समझना मुश्किल है, मोटी मोटी ऐसी किताबें हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. बट मूल चीज क्या है, कॉन्शियसनेस.
पावर ऑफ नाउ प्रेजेंस उतना अगर हम कर लें तो हम अपनी जर्नी में बहुत आगे फैल पाएंगे। और एग्जांपल सुनिए आगे, एक हाथ रोल बता रहे हैं जी। जिस दृश्य का मैंने उल्लेख किया है उस पर तनिक एक दृष्टि और डाल लीजिए। ऐसे हर मामले में जो चुनौती रहती है वह वास्तव में रूप बदल कर आया हुआ मुक्ति का एक अवसर ही होता है। प्रकट हो रही गड़बड़ की प्रक्रिया की हर मामले में अचैतन्यता से मुक्ति होना संभव है। उदाहरण के लिए, महिला की आक्रामकता पुरुष के वास्ते अपने मन की तादात्म्य अवस्था से बाहर निकल आने के लिए, जाग कर अब में आ जाने के लिए, अपने मन के साथ अधिकाधिक तादात्म्य रहने या अचैतन्य रहने के बजाय प्रेजेंट रहने के लिए एक संकेत, एक सूचक बन जाता है। महिला स्वयं सूचित दुख हो जाने के बजाय ऐसी जानकार बन सकती है जो कि खुद में ही अपने दुख दर्द का अवलोकन कर सके और इस तरह अब की शक्ति पा सके व दुख दर्द का त्वावंतरण कर सके। उससे दुख दर्द के आदतन व अनजाने में ही बाहर फूट कर आने की प्रवृत्ति को दूर किया जा सकता है। तब वे अपनी भावनाओं को अपने पति के सामने अभिव्यक्त कर सकती है। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वे सुनेगा ही, लेकिन यह बात उसे विद्यमान व उपस्थित रहने का एक अच्छा अवसर प्रदान करेगी और निश्चय ही मन के पुराने ढर्रे के बिना सोचे समझे और बार बार बाहर फूट कर आने वाले पागलपन के चक्र को तोड़ देगी। अगर महिला यह अवसर खो देती है तो भी पुरुष स्वयं एक प्रतिक्रिया बन जाने के बजाय उसकी पीड़ा के प्रति अपनी मानसिक भावनात्मक प्रतिक्रिया को, अपनी बचाव की मुद्रा को तो देख ही सकता है। तब वह अपने ही संचित दुख को यकायक भड़कते हुए भी देख पाता है और इस तरह अपनी भावनाओं में चैतन्यता का प्रवेश करा पाता है। इस तरह विशुक सजगता की एक स्पष्ट व शांत अवस्था का उदय होता है, जानकार होने का, मौन साक्षी होने का, दृष्टा होने का। यह सजगता ही यह अवस्था पीड़ा को नकारती नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पार रहती है। यह पीड़ा को होने देती है, लेकिन साथ ही साथ उसका त्वावंतरण करती जाती है। यह हर चीज को स्वीकार करती है और हर चीज का रूपांतरण करती जाती है। पत्नी के लिए एक द्वार खुल जाता है जिसमें से होकर वे उस रिक्तता में अपने पति से आसानी से मिल सकती है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे मैन हो, चाहे वुमन हो, चाहे पेरेंट हो, चाहे पार्टनर हो, जो भी हो, अगर हमारी बॉडी में कोई पेन है तो हमें अंदर टटोलना है, अवलोकन करता बनना, ऑब्जर्वर बनना कि मुझे ये प्रॉब्लम क्यों आई है, क्या ये अभिव्यक्त करे, क्या एक्सप्रेस करे, मेरी भावनाएं क्या बोलना चाह रही है, हेडेक भी है तो क्यों क्या बोलना चाह रही है। और हमें समझना है कि कभी भी लाइफ में जरूरी नहीं है कि कोई ना कोई हमारे सामने रहे, हमारी बातें सुने या अपने पुराने ढर्रों से निकले, एंड वो एक्सेप्ट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें क्या कोई सुने कोई रहे, क्यों? क्योंकि हम डिपेंडेंट होते हैं लोगों पे, हम इंडिपेंडेंस जान ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, मान ही नहीं पाए। हमें इमोशनल लेवल पे, अपने मेंटल लेवल पे रिएक्शंस, नेगेटिव रिएक्शन से बचना है क्योंकि वो और बढ़ाएंगे हमारे पेन बॉडी को। तो हमें कैसे, इससे कैसे होना है, कॉन्शियस हो जाना है, अवेयरनेस ले आनी है, क्लियर अवेयरनेस। कभी मौन रखें, अपना साइलेंट अंदर इंट्रोस्पेक्शन करें, कभी देखें कैसा पीस लग रहा है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें नेगेटिविटी को हम अपनी बॉडी से बाहर निकालेंगे और तब जाकर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगें जैसा भी वो हैं, तब वाइफ हो या हस्बैंड हो, कॉन्शियसनेस के द्वार खुलेंगे और जो एम्प्टीनेस की फीलिंग है वो भी धीरे धीरे फिल होनी शुरू हो जाएगी। बिकॉज हम आप पर अपने आप इंडिपेंडेंट हैं अपनी अवस्था को समझने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ नाउ में जब घुसेंगे इंडिपेंडेंटली तो बहुत खजाने मिल के आएंगे, स्पेशली एक फीलिंग ऑफ कंफर्ट का, पीस का, बहुत कुछ का। आइए लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं आज का। अगर आप अपने रिश्ते में अडिग रूप से या कम से कम प्रचुर रूप से प्रेजेंट रहते हैं तो आपके जोड़ीदार के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती रहेगा। यह उसके लिए कठिन होगा कि वे एक लंबे अरसे तक
आपके प्रेजेंस को भी सहन करे और अचैतन्य ही बना रहे। अगर वह तैयार है तो अपनी उसी अवस्था में उस द्वार से होकर वह आपसे आ मिलेगा जो आपने उसके लिए खोला है, और अगर वह तैयार नहीं हो पाया है तो आप दोनों तेल और पानी की तरह अलग अलग ही रहेंगे। जो व्यक्ति अंधेरे में ही रहना चाहता हो उसे तो रोशनी चुभती ही है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। मैं चाहती हूँ मेरा पार्टनर बहुत पॉजिटिव बन जाए, लेकिन मेरे पार्टनर का टाइम ही नहीं आया, उसको भी डार्कनेस में रहना है, उसको नेगेटिव में ही रहना है, वो अटका हुआ है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अपनी लाइट शेयर कर सकती हूँ, आई कैन शेयर माई ओन लाइट, मैं उसके लिए प्रेजेंट रह सकती हूँ, मैं उसके लिए चैलेंजेस को ईजी कर सकती हूँ, लेकिन उसका सफर उसके लिए तय नहीं कर सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी नेगेटिविटी में चली जाऊँ, मुझे चैतन्य रूप से काम करना है, मुझे प्रेम देना है, मुझे उसके साथ अनकंडीशनली रहना है, और फिर जो होगा ऊपर वाले पे सरेंडर करना है कि जो होगा मंगलमय होगा, अच्छा होगा। कल हम बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन पढ़ने वाले हैं कि व्हाई आर वुमेन क्लोजर टू एनलाइटमेंट, वुमेन एनलाइटमेंट निकटतर क्यों होती है, और इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे कल विद ऑल ऑफ यू। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कल शाम को फिर 5 बजे मिलते हैं फॉर अ पावर पैक सेशन। वंस अगेन डीप में उतरते हैं, और अभी हो सके तो रिफ्लेक्ट करिएगा कुछ और करने की जगह, एटलीस्ट 5-10 मिनट आंखें बंद करके रिफ्लेक्ट करिएगा। थैंक यू। लव एंड लाइट्स टू एवरीवन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।